श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन और संघर्ष के चलते एक सप्ताह तक स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने के बाद आज उन्हें शुरू किया गया, मगर मजबूर होकर छात्रों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया। इस दौरान सभी दुकानदारों ने दुकानों के शटर गिरा दिए, जबकि यातायात को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई को बाधित करने और सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी के लिए युवकों को करीब 300 व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए संदेश भेजकर जुटाया जाता था। हर व्हाट्सएप ग्रुप में करीब 250 सदस्य थे। खबर के मुताबिक इन ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर की पहचान कर उनकी काउंसलिंग की गई, जिसके बाद 19% ग्रुप बंद हो गए।